किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बारिश के महीने में किसान भाई प्रायः यह देखा गया है खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें विषय है कौन सी खाद जिसका प्रयोग बारिश के महीने में करना लाभकारी है और किसका प्रयोग आप ना करें, और खादों का प्रयोग कब करें और कैसे करें, इसके बारे में यहाँ जानकारी आज दी जाएगी। किसान भाइयों, बारिश के सीज़न में यूरिया का प्रयोग ख़ास तौर से जुलाई के बाद बिल्कुल ना करें, 15-20 जुलाई तक कर सकते हैं। ऐसी फसल जैसे कि पेड़ की है या लेट प्लांटिंग की आपकी फसल है जिसमें आप यूरिया नहीं दे पाए हैं, काफ़ी किसान भाई मई में अप्रैल लास्ट में बुआई करते हैं, तो वह किसान भाई यूरिया दे सकते हैं। ज़्यादा मात्रा ना दें, एक एकड़ में केवल एक बैग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि यूरिया स्प्रे के रूप में, अगर जो वाटर सॉल्युबल एनपीके है 19:19 है या 18:18 है, उसका स्प्रे करके अगर दें तो बेहतर रहेगा। यूरिया का प्रयोग अगर आप ज़्यादा करते हैं, गन्ने की पत्तियां मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होने के कारण जो कीड़े मकोड़े हैं यानी इंसेक्ट हैं और जो बीमारियाँ हैं जैसे पोका बोइंग है, ऐसी बीमारियाँ खेत में ज़्यादा लगती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको खाद देनी है और सॉयल एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो बारिश के सीज़न में जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है एनपीके 12-32-16, अगर आप हल्की सी गुड़ाई कर रहे हैं या मिट्टी चढ़ाने जा रहे हैं, तो गन्ने की जड़ों के पास इनको डाल करके, चूँकि जड़ें काफ़ी दूर तक फैल चुकी होती हैं, तो गन्ने के आसपास जो जड़ें हैं वहाँ तक भी अगर डाल लेंगे तब भी गन्ना इसको ले सकता है। आप कैसे डाल सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पूरी अगर मिट्टी नहीं चढ़ा रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका है कि एक आप होल बनाएं करीब 15 सेंटीमीटर गहराई का, और उस होल में आप जो खाद है इसको आप डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, वहाँ से गन्ने की जड़ें इसको आसानी से ले सकते हैं। एक क्लंप के दो तरफ आप इस होल को बना सकते हैं अगर पूरी गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। एक चाहे आप बम्बू स्टिक ले लें या एक फावड़ा ले लें, वहाँ पर इस तरीके का होल बनाएं, इसमें गोबर की खाद और एनपीके दोनों मिला करके डाल दें। अगर इकट्ठा भी डाल देंगे तब भी गन्ने की जड़ें इसको प्राप्त कर लेंगे। एनपीके के अलावा जो बेहतर खाद है, अगर किसान भाइयों की जो गन्ने की फसल उसमें बढ़वार थोड़ी कम है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक एकड़ में 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी बेहतर जो तरीका है कि आप एक एकड़ के लिए 1 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद ले लें, एक बैग एनपीके 12-32-16 ले लें, इसी में आप बायो बीटा मिला सकते हैं, और इसके साथ साथ ही इसमें बायो फर्टिलाइज़र जैसे कि मैंने पहले ही बताया एस्टियोबैक्टर भी मिला सकते हैं, और इनको जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि या तो कैविटी बना करके या गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय इस खाद का प्रयोग अगर कर दें, तो आपका गन्ना बैलेंस्ड न्यूट्रिशन उसको मिल जाएगा, जैसे कि बायोबीटा है या इफ़को का जो सागरिका आता है, इसमें जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही में कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर और रेगुलेटर पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिक एसिड है, जिसके कारण गन्ने की बढ़वार बेहतर तरीके से हो सकती है। तो इसका उपयोग वन टाइम एप्लीकेशन के रूप में किसान भाई गन्ने में बारिश के सीजन में कर सकते हैं। खाद का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, अगर खेत में पानी भरा है उस समय खादों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। जब भी खाद का प्रयोग करें या देख लें, कम से कम 24 से 48 घंटे तक बारिश ना होने की संभावना हो, क्योंकि आजकल वेदर जो फोरकास्ट है वो काफ़ी बेहतर किसान भाइयों को मिल जाती है। अगर इसमें इस बात का ध्यान रखें कि बारिश ना हो रही हो, उस समय अगर आप खाद का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ किसान भाइयों, अगर आपको खाद डालनी है तो ये ध्यान रखें, यूरिया जो बड़े दाने की होती है, यानी चाहे नीम कोटेड यूरिया हो
उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर नीम कोटेड यूरिया आपको नहीं मिल रही है और नमी ज़्यादा है खेत में, तो ऐसी दशा में इसको गोबर की खाद में मिला करके, बर्मी कंपोस्ट मिला करके अगर आप डालेंगे तो जल्दी ये खाद लीच नहीं करेगी, यानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी और इसका नुकसान नहीं होगा बल्कि गन्ना इसको ले पाएगा। लेकिन किसान भाइयों, जुलाई के बाद यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। पेड़ी का जो आपका गन्ना है उसमें आप अभी स्प्रे कर सकते हैं यूरिया का भी, और मैंने पहले बताया आपको यूरिया फास का कर सकते हैं, या आप जो एनपीके वाटर सर्कुलर आते हैं 19-18 इनका स्प्रे करके और बेहतर गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि यूरिया का प्रयोग ज़्यादा ना करें, जितनी मात्रा आवश्यक है उतना ही करें। अगर यूरिया का प्रयोग आप बारिश के सीज़न में ज़्यादा करेंगे, गन्ने में कीड़े मकोड़े तो लगेंगे ही, साथ ही में गन्ने की जो फसल है उसकी लॉजिंग भी होगी। यानी जब हम यूरिया का प्रयोग बारिश के सीज़न में करते हैं तो गन्ना कमज़ोर हो जाता है, उसका जो फोलियज है, पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, तना उतना नहीं बढ़ता है, जिसके कारण गन्ने की जो बढ़वार है वह प्रभावित हो जाती है और अच्छी खासी फसल भी ख़राब हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।